शिवपुरी जिले में पत्रकार वार्ता में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब पूछा गया कि आज भी सीवर और मड़ीखेड़ा परियोजना में काम अधूरे क्यों है, तो पूर्व सांसद ने जवाब दिया कि मैं अब एक आम आदमी हूँ, मैं प्रभारी मंत्री और शासन से निवेदन करूंगा कि मेरी परियोजना को जल्द पूरा करें। या प्रभारी मंत्री द्वारा नालियों की सफाई किए जाने के सवाल को पूछा तो वह बोले कि नालियों की सफाई में बुराई क्या है, यदि प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है तो मैं काम करूंगा, आप भी करें। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। मेरा लक्ष्य जब जनसेवा है, माध्यम राजनीति है, और अगर जनता ने निर्णय लिया था कि राजनीति से इस बात आपको अलग चाहते हैं, मेरा माध्यम जनसेवा है, जनता के साथ सीधा जुड़ाव तो मेरा सदैव रहा है, उसी को मैं आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ, मजबूती भी देना चाहता हूँ, और जो एक एक जनमानस की कठिनाई है उस कठिनाई का समाधान उसी विचारधारा के साथ, चाहे लौकी का दौरा रहा हो, चंदेल का दौरा रहा हो, या शिवपुरी का है, कल समूचे अंचल में मेरी यही कोशिश रही है, चाहे मुरैना की बात करो आप, भेंट की बात करो, कि मेरा अस्तित्व यही है, उनकी भावना यही है, और इसी तारतम्य में जो शिवपुरी की पानी की योजना है और मुझे एक टाइम लाइन चाहिए शिवपुरी की पानी की योजना, मैं दूर रहा हूँ, इसका मतलब ये है काम लगा डाला था 12 साल में तो यही महाराष्ट्र का जो मेरा एक जुड़ाव भी और एक लगाव भी और एक संपर्क भी रहा साधारण उसका समाधान है, आपकी इच्छा भी सदैव रही है और उसी का क्रिया मिला है। किस तरह की शिकायतें आपको देखने को मिली हैं, मतलब पर्टिकुलर बिजली को लेकर, पानी को लेकर, सड़क को लेकर? मीडिया में भी है कि आप लोग हर बार शिकायत 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 करते हैं, लोगों की कठिनाइयाँ हो, सबका इस्तेमाल कर रहे हैं आप शिकायत का, कि आप कह रहे हैं किस तरीके से उसको हम TRP बना के शिकायत का नाम सब इस्तेमाल करके TRP हम लोग बनाए, कठिनाई है, चाहे कठिनाई हो BPL कार्ड का, बिजली का बिल का, कई जगह विकास और प्रगति की अभिलाषा है कि हाँ सड़क बन जाए, जिले वालों की विचारधारा है कि हमें एक अच्छा नया जगह मिल जाए ताकि हम अपना दिनचर्या और हमारा जो व्यवसाय है चला पाएँ, तो अनेक तरीके की चीज़ें हैं हमारे सामने, कई जहाँ झूठे केस बनाए गए हैं, कहीं जहाँ आरोपियों के ऊपर अभी तक FIR नहीं किया गया है, कहीं जहाँ शिक्षकों को जो विस्थापित करना है वो सरकार से ही आशा है कि नहीं हो पाए, तो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं की अलग का अलग मुद्दा है, स्वयं सहायता समूह के लोगों का अलग मुद्दा है, अनेक प्रकार के जो भी विषय आए हैं मैंने समाधान के लिए शासन मैंने आवेदन किया और हर आवेदन पर जो कार्रवाई होगी वो प्रभारी मंत्री जी स्वयं देखेंगे ताकि जनता की आशा अभिलाषा के ऊपर खड़े हो। हमारा CAA के बारे में आपका क्या कहना है? CAA के बारे में मैंने बहुत कह दिया है, पिछले एक महीने से चल रहा है और मैंने भोपाल एक बहुत सपोर्ट किया, प्रदेश में कांग्रेस सरकार होने के बाद भी अच्छा कांग्रेस सरकार हो गया, उसके बाद भी हमने समस्या आई है वो बिजली या पानी की, तो आई नहीं ना, तो सर मतलब देखिए आप कठिनाई शब्द दे रहे हैं, आपका प्रशासन आपका शासन उसका कठिनाई, फिर भी आप उसी में लग जाते हो कि हाँ आपका मिर्ची मसाला निकले, और आपको देखते देखते आपके बाल जब काले थे मैं आपके साथ था, अब थोड़े आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई तब भी मैं आपके साथ हूँ, और जब आपके और हमारे बाल भी नहीं रहेंगे शायद आप और हम साथ में रहेंगे। महाराज साहब इनका प्रश्न का जवाब, कभी भी हम लोग की स्थिति
शायद न पा पाए और पाना भी नहीं चाहिए, जहाँ हर व्यक्ति संतुष्ट हो, क्योंकि अगर एक काम का समाधान होता है 10 काम और आ गया। और जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है वो तो इस पृथ्वी पर असंभव है कि कब वो समय आएगा जहाँ किसी की भी कठिनाई नहीं है। ये जिंदगी में हमने जन्म लिया है उसका सामना करने और जब एक समाधान हो जाता है तो 10 और मुद्दे और ये व्यावहारिक भी है और ये होगा ही। निरंतर चक्र आपके मंत्री भी होगा ना कि अगर हम लोग सड़क मंत्री है ना आप उसी की ठीक है। अगर हमने 10 सड़कें बना दी ये कहेंगे कि मेरा सड़क इनका सड़क बनेगा ये कहेंगे मेरा सड़क बच गया ठीक है। और जो प्रक्रिया होती है उसमें आप अगर किसी के भी बीच के बीच में थोड़ी नहीं वो तो स्वर्ग जैसी स्थिति बन जाएगी। 1000 लोगों के बिल अगर ठीक आ जाए तो शायद एक व्यक्ति का बिल गलत आ जाए और वो व्यक्ति मेरे पास आएगा। महाराज साहब आपके साहिबाग में इतनी महिलाएं दिल्ली चुनाव में साहिबाग मुद्दा है कोई भी आपके नजर में देखिए मेरा मुद्दा साफ साफ जिस देश आज महात्मा गांधी इस कैमरा में कर रहा है जो देश महात्मा गांधी का और महात्मा गांधी मैं मानता हूँ कि इस देश के लिए नहीं इस विश्व के लिए विश्व के लिए एक आदर्श मार्ग प्रशस्त करने वाले महात्मा हैं। और इस देश में अगर हम लोग अलग भावना के साथ एक नीति मैं मानता हूँ बिल्कुल अनुचित और ये स्पष्ट रूप से देखिए अब जनता ने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी दुख के साथ जनता ने निर्णय लिया मुझे उस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। उस स्थिति में भी जब हमारी सरकार है और आपने मुझसे स्वतः सुना है कि मैंने मंत्री जी को निवेदन किया है प्रशासन को निवेदन किया है मेरी योजना है चाहे मैं अब सांसद नहीं एक सामान्य नागरिक के रूप में मैं गुहार प्रभारी मंत्री जी और प्रशासन से लगा रहा हूँ कि मेरी योजना को क्रिया मैं सांसद होता मैं बैठ के करवाता जैसे मैंने हर एक योजना को करवाया पर आज मेरे हाथ में जो शक्ति थी आज मेरे हाथ में नहीं। महाराज साहब एक मेरा सवाल है पर फिर भी मैं पीछे पड़ा हूँ आपको ये आपसे भी कम शस्त्र आज मेरे हाथ में कि आप तो पत्रकार हो आप हमारे संविधान के 4th स्तंभ आपका कलम तो कलम ही नहीं है आपका कलम और ये आपका डब्बा ये तो तलवार है। आज मेरे हाथ में ना कलम है और ना तलवार है आपसे भी छोटे स्थिति में मैं गुहार लगा रहा हूँ मेरी योजना को कैबिनेट में जो व्यक्ति का स्तर होता है उस स्तर को उस व्यक्ति को स्वतः समझना चाहिए। महाराज इस कभी स्थिति में मत आया कि कैबिनेट आपका है सरकार आपका है अब आप सामान्य नागरिक और सामान्य नागरिक के रूप में आपको जो गुहार आप लगा सकते हो वो आप लगाए प्रयास से तब तक अब मैं नहीं कह सकता कि मैं सामान्य व्यक्ति हूँ मैंने निवेदन किया है मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हो यही मेरी कामना है। आपके और शिवपुरी की जनता ने वैसे ही निर्णय ले लिया था हमें दूर रहना चाहिए। महाराज साहब आपके मंत्री कीचड़ में उतरते हैं नालियों को साफ करते हैं उसके बाद प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता उसके बाद भी स्थिति जब के तक बनी जी प्रभारी मंत्री जी खुद उतर के नालियों में उतर के गड्ढों को साफ करा नालियों को साफ कर रहे और उनके जाने के बाद स्थिति जब की तक लगता है कि
अगली बार अगर जरूरत पड़ेगी तो सामान्य नागरिक के रूप में मैं भी उसी घर को उतर के साफ करूँगा महाराज, क्योंकि आप और हम जब साफ करेंगे तो शायद फिर प्रशासन के आप महाराज। चलिए धन्यवाद, आप मुझे वहाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब